तो हे गाइस, दिस संदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज भाई मैं एक बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जिसके पास भी रॉयल एनफील्ड 350 है, उसके लिए मैं लेके आया हूँ ये इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो गाड़ी आई है मेरे पास, उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि बहुत ज़्यादा वॉबलिंग इशू आ रहे थे पीछे वाले टायर से। मतलब हम हाई स्पीड में गाड़ी भगाते थे तो चेन भी आवाज़ कर रही थी, और मतलब ऐसे टायर लग रहा था जैसे कि हिल रहा है, मतलब स्टेबल नहीं थी गाड़ी। तो इशू क्या हुआ है कि उसके जो स्विंग आर्म होता है, हिंदी में हम झूला बोलते हैं मैकेनिक लोग, तो उसके जो झूला होता है स्विंग आर्म, उसके बुश जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। मतलब वो ऐसे ऊपर नीचे होता है तो ठीक है, साइड में प्ले आ रही है तो मतलब ख़राब है। तो साइड प्ले आ रही है उसमें, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊँगा। तो वही आज हम फिक्स करने वाले हैं, और एंड में मैं ये बताऊँगा कि भाई ये क्यों आते हैं इशू और आपको क्या करना चाहिए जिससे ये इशू बार बार ना आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं बाहर गाड़ी के पास। तो भाई ये आई है मेरे पास रॉयल एनफील्ड गन मेटल ग्रे, जिसमें डुअल डिस्क के आगे भी पीछे भी। ये देखिए इसका झूला हिला के देखते हैं स्विंग आर्म, ये देखिए अलग ही दिख रहा है, मटक रहा है पूरा। मतलब इसके बुश जो है ख़राब हो चुके हैं, कट चुके हैं पूरी तरीके से, तो आज हम इन्हें रिप्लेस करेंगे। चलिए टायर खोल लेते हैं पहले। तो ये भाई टायर एकदम खोल लिया है, थोड़ी सी इसमें मेहनत लगती है क्योंकि ये डुअल डिस्क वाली गाड़ी, जिसमें आगे भी डिस्क पीछे भी डिस्क, और इसकी चेन इस साइड रहती है। तो भाई ये टायर निकल चुका बाहर, और देखिए झूला कैसा, रुको आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मतलब अलग ही आवाज़ आ रही है, मतलब कट कट की। ये हिल रहा है पूरा स्विंग आर्म जो होता है इसका, पूरा हिल रहा है। तो अभी हमें स्विंग आर्म खोलना पड़ेगा, उसके लिए चेन पॉकेट भी अलग करना पड़ेगा, और आगे से भी थोड़ा बहुत खोलना पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा। सबसे पहले शॉकअप्स अलग कर लेंगे पीछे के रेयर शॉकर्स जो होते हैं 17 नंबर के स्पैनर से, खोल लेंगे तो क्या स्विंग आर्म से वो अलग हो जाएगा दोनों साइड से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर क्या खोलना है। उसके बाद चेन्स पॉकेट खोलना पड़ेगा हमें दोनों शॉकर्स के बाद, और ये अलग कर लेंगे चेन्स पॉकेट पूरा यहाँ से। उसके बाद बताता हूँ आगे प्रोसेस, पहले इतना खोल लेते, टाइम लगेगा काफ़ी इसमें। तो भाई ये पूरा खोल लिया है, चेन्स पॉकेट अलग कर लिया है इसका, ये झूला बुश इसके बदलने हमें। तो झूला देख लीजिए, स्विंग आर्म इंग्लिश में स्विंग आर्म बोलते हैं। तो इसके लिए हमें ये बाजू के जो बोल्ट्स होते हैं ये खोलने पड़ेंगे। तो ये बोल्ट्स खोलने के लिए हमें 22 नंबर का स्पैनर चाहिए पड़ेगा, ऐसा वाला, ये लग जाएगा इसमें, फिर इसे हैंडल लगा के खोलेंगे हम। बहुत टाइट रहता है भाई ये, पहली बार खोल रहा है क्योंकि ये, इसके लिए टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो टॉर्क बढ़ाने के लिए हमें इसमें हैंडल फंसाना पड़ेगा, लंबा कर लेंगे इसे। टॉर्क ज़्यादा रहेगा तो जल्दी खुल जाएगा, जितना लंबा स्पैनर रहता उतना ज़्यादा टॉर्क लगता है। ये देखिए आप, अब आसानी से खुल गया ये, इस पर पूरी गाड़ी टिकी रहती है पीछे से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, टाइट ही कसें, और जब आप कसने का टाइम है टाइट ही कसें, खुल जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई ये स्विंग आर्म खुल रहा है, ये इसलिए फंसा रखा है क्योंकि भाई एक साइड से घूमता है वो, उस साइड से खोलते हैं तो इस साइड से घूमने लगता है, तो दोनों साइड पाना फंसाना पड़ता है। तो फंसा लिया हमने, तो अब पूरा खुल जाएगा। ये देखिए बाहर आ रहा है, उधर से हथौड़ी मार रहा है तो ये बाहर आएगा, अब इसे हम खींच लेंगे बाहर। ये देखिए ये झूला, इसका स्विंग आर्म आ चुका है नीचे, ये रहा भाई, अलग कर लिया है पूरा। और अब इसके बुश निकलेंगे, ये प्लास्टिक के रहते हैं दोनों साइड, अंदर एक रॉड टाइप की डली रहती है, ये अभी हमें निकालने पड़ेंगे। चलिए इन्हें निकालते हैं पहले, फिर नए लगाएंगे। तो भाई इसकी रॉड निकालने के लिए नीचे हमने रॉड फंसाई जिसमें छेद है, तो उसे ठोक के निकाल लेंगे। मेरे को ही पकड़ना पड़ेगा, ये देखिए नीचे जा रहा है। कुछ ऐसे ही हमें रखना पड़ता होलो सरफेस नीचे, ताकि वो निकल जाए ठोक के। ये निकल चुका है, देखिए ये रॉड बाहर निकल चुका है, ये रॉड
ये इसके बुश निकाल रहे हैं ठोक के दूसरी साइड से, ये ऐसे ठोकना पड़ेगा ऊपर से कुछ रॉड डाल के, तो ये निकल लिया है, प्लास्टिक का रहता है, यही ख़राब होते हैं सबसे ज़्यादा बुलेट में, रॉयल एनफील्ड की हर गाड़ियों में जिनमें ये सिस्टम रहता है ये वाला सुनगा। तो अब दोनों साइड का निकल जाए फिर नया डालेंगे, मैं आपको नया बताता हूँ कैसा है। तो भाई ये इसका पूरा सेट आता है, ये रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल है, इसमें कुछ रबड़ के बुश भी हैं अंदर, ये प्लास्टिक के बुश भी दिए हुए हैं और ये रॉड दी हुई है। इसकी MRP है 545, कोड नंबर लिखा ही है, पार्ट नंबर आप ये ला सकते हैं, ये ओरिजिनल हम रॉयल एनफील्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम ये इंस्टॉल करेंगे इसमें, तो जो उसकी प्रॉब्लम थी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। ल्यूब्रिकेशन कर दिया हमने ताकि इजीली अंदर चले जाए। ये तो हमारे एक्सपर्ट है इसलिए हथौड़ी से ठोक रहा है, आप कोशिश मत करिए कुछ अच्छी चीज़ रख के ठोकिएगा, ये तो आप तोड़ लेंगे इसे। तो भाई ये एक साइड से ठोक लिया था हमने और दूसरी साइड से ऑटोमेटिक निकल रहा था, तो अभी हमने क्या करा, एक साइड से पूरा अच्छे से बैठा दिया इसे, फिर ये प्लास्टिक का जो बुश है ये ऊपर से इसमें सही फिट करके एकदम बैठा देंगे वापस, नीचे से सपोर्ट है ही तो वो निकलेगा नहीं बाहर। ऑयल लगा लिया इस पर थोड़ा सा ताकि अंदर इजीली बैठ जाए, और बहुत आपको आराम आराम से ठोकना है, नहीं तो ये प्लास्टिक के लेते हैं टूट जाएंगे भाई। बहुत आराम आराम से कुछ रख लीजिए आप, ये देखिए अभी तो इजीली जा रहा है अंदर, देखिए ये देखिए ऑयल लगा लिया तो इजीली अंदर चला गया, दोनों साइड के फिट हो गए, रॉड थोड़ी सी इधर से बाहर है तो इसे अंदर कर देंगे। दोनों साइड एकदम बराबर हो चुकी है, ये देखिए इधर भी उधर भी, और इस पर जो रबड़ के बुश आए इसके साथ ये रखे हुए हैं, ये इसके ऊपर लगेंगे, ये ऐसे करके ये फिट होगा। ये आप घर पे तो नहीं कर पाएंगे पूरा प्रोसीजर, आपको कोई मैकेनिक चाहिए होगा, कोई एक्सपर्ट इसके लिए, हर कोई नहीं कर पाएगा, ये थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें। अब इसे गाड़ी में फिट कर देंगे एज इट इज़ जैसा हमने खोला था, ये भाई हो चुका फिट, और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, अब पूरी तरीके से टाइट हो गया, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, मतलब पहले तो मटक रहा था लगी बुश कटे हुए थे, अब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, हिला के दिखाना, ये देखो बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं मटक रहा, पूरी दम लगा ली। तो अब इनमें हम शॉकर्स जो हैं वापस फिट कर देंगे, उसका स्प्रॉकेट जो हमने निकाला था वो भी वापस फिट कर देंगे। तो भाई ये गाड़ी का बुश वगैरह हो चुका है, स्विंग आर्म का हम लगा चुके हैं, उसके बाद हम आपको अभी फिर से इसे टेस्ट करके बताते हैं, व्हील हिला के दिखाते हैं, ये स्विंग आर्म बिल्कुल भी मटकेगा नहीं, ये देखिए आप कितना टाइट है, पूरी दम लगा लिए तब भी नहीं हिल रहा है, नहीं तो ये ऐसे ऐसे हिल रहा था, मटक रहा था, बिल्कुल भी नहीं मटक रहा है। अब चलने पर भी गाड़ी बिल्कुल ना डगमगाएगी ना हिलेगी ना कुछ होगा, एकदम फिक्स काम हो गया। ये रॉयल एनफील्ड का हमने ओरिजिनल यूज़ करा था, आपने देख ही लिया है, बाकी इसमें लोकल बुश ना लगाएं, ओरिजिनली यूज़ करें। तो भाई सब आपको दिखाई दिया है चेंज वगैरह करके बुश वगैरह, अब मैं बता देता हूँ कि ये इशू क्यों आता है। ये इशू जब आता है जैसे कि हम अकेले से चला रहे हैं गाड़ी को, बुलेट को, ये एक तो ये बहुत हैवी गाड़ी है, उसके बाद हम अकेले चला रहे हैं और झटके से एकदम ब्रेक मारते हैं, जैसे हम पल्सर वगैरह में मारते हैं पीछे वाला टायर पूरा घिसटा जाता है, वैसे इसका भी घिसटा जाता है एकदम, ये डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है तो एकदम से ब्रेक मारते हैं, तो उस वजह से क्या होता है इसका टायर वगैरह सब हैवी है, उस वजह से स्विंग आर्म पे पूरा लोड पड़ता है, जब झटके से हम ब्रेक मारते हैं पूरा स्विंग आर्म हिल जाता है, तो बुश कटने के ज़्यादा चांसेस तब रहते हैं। और दूसरी चीज़ लॉन्ग रन में भी कट जाते हैं धीरे धीरे, एक्चुअली इसमें प्लास्टिक के डलते हैं जैसे कि आपको मैंने दिखाई दिया, तो जब हम बहुत हैवी वेट इस पर रखते हैं, बहुत सामान लाद के ले जा रहे हैं, एयर प्रेशर भी कम है, और धचके में कुदा रहे हैं बिना कुछ देखे हुए, तब भी ये सब चीज़ें डैमेज होती है। और ये बताता हूँ इनके डैमेज होने से, बुश के डैमेज होने से और क्या क्या चीज़ें डैमेज होती है ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो चेन स्प्रॉकेट है होता क्या है, बुश एकदम सीधा चलता है ऊपर नीचे, जब उसके बुश कट जाएंगे, और स्विंग आर्म ऐसे सीधा चलता है सॉरी, तो जब बुश कट जाएंगे तो वो यूं यूं आजू बाजू भी चलने लगेगा, उस वजह से इसके जो चेन है वो आड़ी टेढ़ी होगी, और इसके ये भी कट सकते हैं, इसके जो चेन स्प्रॉकेट के टीथ होते हैं वो भी कट सकते हैं, और चेन भी
दिक्कत दे सकती है, तो ये भी इससे डैमेज होता है और भी वॉबलिंग के इशू वगैरह आते हैं, तो यही सब चीज़ें इसमें ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको मैं सारे कारण और वजह जिनसे जो डैमेज हो सकता है सब बता ही चुका हूँ, पूरा बदलना कैसे बदलना है, रिप्लेस करना सब बता चुका हूँ, और उसके बाद रेट भी बता चुका हूँ, रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन हमने यूज़ करा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और बेहतर कंटेंट के साथ हम आएंगे फ्यूचर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।